साथ में बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ नंबर एक। पाठ ए में पहले प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रार्थना जो हम ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब बच्चों इसका अर्थ है जो सभी जीवों को प्रमाण देता है, सभी दुखों को दूर करता है तथा नाना प्रकार के सुखों को देने वाला है, हम सब उस श्रेष्ठ दीप्तिमान देवता सूर्य का ध्यान करें जिससे कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। आप दूसरा श्लोक देखिए बच्चे, पश्यम एव शारदा शतम जीवम एव शारदा शतम शुण्यातम शारदा शतम प्रभ्रमाम शारदा शतम आधीना श्याम शारदा शतम भूयाश शारदा शतात्। अर्थ, हम सौ शरद मतलब बरसात तक देखें, जो 100 वर्ष तक जीवित रहें, 100 वर्षों तक सुने, 100 वर्षों तक बोले, 100 वर्षों तक किसी भी प्रकार से दीन ना हो, अर्थात हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। आगे देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर देव शिव है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे उन गुरुदेव को नमस्कार हो। अब चौथा श्लोक देखिए बच्चे, अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य अमृतो मा अमृत गम्य। अर्थात हे प्रभु मुझे असत असत है बुराई से सत मैंने अच्छाई की ओर ले चले, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले। ठीक है बच्चे, ये तो हमारी प्रार्थना थी पाठ में। अब हम पाठ नंबर एक करते हैं। इसमें वार्तालाप है अंबिका और सारिका। अंबिका कहती है, सारिके तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। सारिका कहती है, अंबिके अहम स्वा मातुलस्य गृहं गच्छामि, मैं अपने मामा के घर जाती हूँ। अंबिका कहती, तब मातुलस्य गृहं कुत्र अस्ति, आपके मामा का घर कहाँ है। सारिका कहती है, मम मातुलस्य गृहं कमला नगरे अस्ति, मेरे मामा का घर जो है कमला नगर में है। अंबिका, कमला नगरे एव मम पितामहस्य गृहं अस्ति, कमला नगर में मेरे दादाजी का घर है। सारिका, तत्र अम्बा नामना चित्रगारम अस्ति, वहाँ पे अम्बा नाम का चित्रकार या सिनेमा घर है। तस्य पृष्ठतः एवं मम मातुलस्य गृहम अस्ति, उसके पीछे मेरे मामा जी का घर है। तो अंबिका कहती है, तत्र एवं मम पितामहस्य गृहम अपि अस्ति, वहाँ मेरे दादा का घर भी है। अहम अपि यदा कदा तत्र गच्छामि, मैं कभी कभी वहाँ पर जाती हूँ। सारिका कहती है, अहम अधुना एवं गच्छामि, मैं तो अभी जा रही हूँ। अब देखो पाठशाला का दृश्य है, फिर उसके बाद देखिए अंबिका, किम त्वम किम असि प्रयोजनम अस्ति, कोई काम है वहाँ पर। सारिका कहती, हाँ अद्य राहुलस्य जन्मदिवस अस्ति, आज राहुल का जन्मदिन है। तत् उत्सव आयोजन वर्तते, वहाँ पर आयोजन है यानी कि उत्सव होगा, बर्थडे मनाया जाएगा। तुम अपि मया सह चल, तुम मेरे साथ चलो। अंबिका कहती, ना ना अहम विद्यालय से पुस्तकालय पुस्तकानि आने तुम गच्छामि, मैं विद्यालय के पुस्तकालय में किताबें लेने के लिए जाऊँगी। सारिका, परम अद्वे तो अवकाश संति, परंतु आज तो छुट्टियां हैं। तो कहते, तमाम किमर्थम विद्यालय किशोरी, तुम विद्यालय में किस लिए जा रही हो। अंबिका कहती, अस्माकम अवकाश संति, हमारी छुट्टियां हैं। परम मैंने, परंतु विद्यालय से कार्यालय पुस्तकालय च कार्याणि भवन्ति, विद्यालय के कार्यालय और पुस्तकालय में काम होता है। अब सारिका कहती, अद तो अहम मातुलस्य गृहं गच्छामि, अब तो मैं मामा के घर जा रही हूँ। श्वः अहम अपि चलिष्यामि, कल मैं चलूँगी। अंबिका कहती, सारिके श्वः अहम अपि तुम्हारा सह चलूँगी, कल भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, यानी कि लाइब्रेरी उसके साथ जाएगी। परम अद तो अहम पुस्तकालय प्रति गच्छामि च, अब तो मैं पुस्तकालय में जा रही हूँ, पुस्तकालय के लिए जा रही हूँ। सारिका कहती, भवतु ठीक है, तुम गच्छतुम जाओ,
अहाँ अपि चलिष्यामि, मैं भी चलती हूँ, अन्यथा माता क्रोधिष्यति, नहीं तो माता गुस्सा करेगी। श्वः मिलिष्यामि, कल मिलते हैं तथा पुस्तकालय में हम जाएंगे, ठीक है ना। अब वर्ड मीनिंग है मातुल, मातुला होता है मामा। चित्रकारा मैंने सिनेमा हॉल, प्रयोजनम मैंने काम, आगे आयोजनम मैंने आयोजन, आनेतु मैंने लाने के लिए, क्रोधिष्यति मैंने क्रोध करेगी। अब देखिए बच्चे, आपके हैं निम्नलिखित वाक्यों को लिटर लकार में यानी कि विविष्य काल में आपको बदलना है। अब विविष्य काल में कैसे चलता है देखो, पठ्यति पठ्यत पठ्यन्ति पठ्यसि पठ्यत पठ्यत पठ्यामि पठ्याव पठ्याव, ठीक है ना। अब देखिए, ते किम खदन्ति ते किम खादिष्यन्ति, तो है जुवाम कस्मे गृहे तिष्ठत, जुवाम कस्मे गृहे स्थाप्य भी होगा अतिष्ठत भी होगा, ठीक है ना। बानर है वृक्षेषु कुर्दन्ति, अब बानर है क्या होगा, कुर्दुष्यसि अन्ति, ठीक है ना। आगे से अहा मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि, गच्छामि का हो जाएगा गमिष्यामि। युजम किम लिखत, लिखत का हो जाएगा आपका लेखे, लेखेषति है, ठीक है ना। त्वं निर्मलम जलम पिप्सि, त्वं निर्मल जलम पिप्सि का होगा पास्यसि। गायन्ति का होगा होएगा गास्यन्ति। अब देखिए, एक पद में उत्तर देना है। सारिका कुत्र गच्छति, सारिका कहाँ जाती है, मामा के घर, मातुलस्य गृह। तत्र कस्य जन्मदिन अस्ति, वहाँ किसका जन्मदिन है, राहुलस्य यानी कि राहुल का जन्मदिन है। अंबिका पुस्तकेनु आनु कुत्र गच्छति, अंबिका किताबें लेने के लिए कहाँ जाती है, पुस्तकालयम। अवकाश दिवसे कुत्र कार्य भवति, विद्यालयस्य कार्यालय। अब बच्चे देखिए, मिलाने के बालौ का है पुस्तकम पढ़ते, युजम का है किमर्थम गच्छते, सह का है भोजनम खदिष्यति, और सिंह गर्जति, त्वम स्थापयति, बालिका उपवेशन्ति। अब लिटिल कार से छांट के इसमें बच्चे लिखना है कौन कौन से है, ये आपके लिटिल कार है और ये आपके जो है दूसरे हैं। अब देखिए, इन दोनों में अहम के साथ हमेशा पास्यामि आता है, युजम के साथ क्या आएगा, लिखिष्यति का आएगा, श्वः वासरः विविष्यति, तम भोजनम भक्ष्यन्ति, अहम चलचित्रम द्रक्ष्यावः। अब बच्चे संस्कृत अनुवाद में देखिए, दो बालिकाएं विद्यालय जाएंगी, बालिकाओं को कहेंगे बालौ, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, बालौ विद्यालयम गमिष्यतः, महिलाएं महिला अत्र भ्रमति, अब महिला बहुवचन है तो महिला अत्र भ्रमंती। कल हम पुस्तकालय जाएंगे, श्वः वयं पुस्तकालय गमिष्यावः, मेरी बहन भोजन पकाती है, मम भगिनी भोजनम पचती, अध्यापिकाएं कक्षा से जाती है, अध्यापिका कक्षात, अब बहुवचन में है तो क्या है, गच्छन्ति, ठीक है ना बच्चे, गच्छन्ति है। थैंक यू।